वैज्ञानिकों की इस रिपोर्ट से दुनिया में छा गया है सन्नाटा। चीन की इस गुस्ताखी का नासा के पास भी नहीं है कोई इलाज। सारे देश मान रहे थे संधि की शर्तें, लेकिन चीन ने की मनमानी। दोस्तों, प्रकृति ने इंसानों को एक स्वर्ग सौंपा, लेकिन इंसान ने अपनी करतूतों से बर्बाद कर डाला। जंगल से लेकर नदियां, सब कुछ इंसानों ने निगल ली। खुद की बर्बादी को बेचैन हो रहा है इंसान। दोस्तों, कोविड के पीरियड में जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तो जैसे प्रकृति को चैन मिल गया था, नदियों का पानी शुद्ध हो गया था, हवा साफ हो गई थी। लेकिन इसके साथ ही एक ऐसी खबर आई थी जिसने दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया था। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या खबर थी जिसको लेकर दुनिया भर में हलचल मची हुई थी। तो दोस्तों, इस लॉकडाउन ने लोगों को बेचैन जरूर किया था, लेकिन इस बीच प्रकृति को साफ होने का मौका मिल गया था। ओजोन लेयर, जो धरती के लिए रक्षा कवच का काम करती है, इंसान की करतूतों से घायल थी। खतरनाक प्रदूषण की वजह से उसमें एक छेद हो गया था, और ये छेद इंसानी जिंदगी के लिए बेहद घातक था। लेकिन लॉकडाउन के समय में यह छेद भर गया था, जिसे लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक बेहद खुश हुए थे। कोरोना महामारी के बीच वो एकमात्र अच्छी खबर थी, लेकिन वो खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली थी। अभी अभी ओजोन को लेकर जो खबर आई है, उसने दुनिया भर को चौंका दिया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि पृथ्वी की ओजोन परत में एक नया छेद पाया गया है, जिससे ग्रह की लगभग आधी आबादी के लिए स्किन कैंसर और अन्य बीमारियों का खतरा पैदा हो गया है। AIP एडवांस जर्नल में इस नई खोज के बारे में जानकारी दी गई है। खोज में कहा गया है कि नया छेद अंटार्कटिका के ऊपर पाए गए 9 मिलियन वर्ग मील के छेद से 7 गुना बड़ा है। कहा जा रहा है कि ओजोन परत में नया छेद ट्रॉपिक्स के ऊपर है। दोस्तों, आखिर ओजोन इंसानों के लिए कैसे सुरक्षा कवच का काम करती है? इसमें छेद होना कितना भयंकर हो सकता है? दोस्तों, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, जिसे जानकर आप भी बेचैन हो जाएंगे। ओजोन परत को लेकर आई है डराने वाली रिपोर्ट। अगर इंसान नहीं सुधरा तो दुनिया हो जाएगी बर्बाद। दोस्तों, धरती के लिए ओजोन परत एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। ये पृथ्वी से लगभग 24 किलोमीटर ऊपर स्थित है और हमें स्किन कैंसर पैदा करने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है। अगर नए छेद को लेकर किए जा रहे दावे की पुष्टि हो जाती है, तो ये अरबों लोगों को स्किन कैंसर और मोतियाबिंद समेत कई भयानक खतरों में डाल देगा। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के वैज्ञानिक और रिसर्च के मुख्य लेखक क्विंग बिन लू ने कहा है, ट्रॉपिक्स ग्रह के आधे क्षेत्र को कवर करता है, जिसमें दुनिया की लगभग आधी आबादी रहती है। ट्रॉपिकल ओजोन होल की मौजूदगी एक गंभीर वैश्विक चिंता का कारण बन सकती है। ओजोन परत का क्षरण धरती पर यूवी रेडिएशन को बढ़ा सकता है। इससे इंसानों का इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, फार्मिंग प्रोडक्शन घट सकती है, जलीय जीव और एनवायरमेंट में नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। वैज्ञानिक लू ने कहा, वर्तमान खोज को ओजोन क्षरण, यूवी रेडिएशन में बदलाव, स्किन कैंसर के बढ़ते खतरे और स्वास्थ्य और इकोसिस्टम पर दूसरे नकारात्मक प्रभावों पर कई गहन अध्ययनों की जरूरत है। दोस्तों, माना जाता है कि यह छेद 1980 से अस्तित्व में है, जिसकी पहचान अब हो पाई है। जर्नल में प्रकाशित होने के बावजूद कई वैज्ञानिकों ने इन दावों को खारिज किया है। डॉक्टर पॉल यंग ने कहा, ट्रॉपिकल ओजोन होल जैसी कोई चीज नहीं है। ओजोन परत में मिला नया सुराख अंटार्कटिका के ऊपर पाए गए 90 लाख वर्ग मील से भी 7 गुना विशाल है। इससे पहले 2018 में संयुक्त राष्ट्र की ओर से ओजोन परत के नष्ट होने को लेकर एक शोध किया गया था। इसमें बताया गया था कि अंटार्कटिका के ओजोन सुराख के धीरे धीरे भर जाने की उम्मीद है। इसके मुताबिक 2060 तक यहां का ओजोन परत 1980 के स्तर में वापस लौट जाने की संभावना है। इसमें कहा गया था, अंटार्कटिक ओजोन सुराख ठीक हो रहा है, हालांकि यह हर साल होता रहता है। 987 में बहुत अधिक ऊंचाई पर मौजूद ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे मानव निर्मित गैसों पर पाबंदी का अच्छा असर दिखा था। इसकी वजह से ओजोन परत के घटने की स्थिति में लंबे समय में कमी देखी गई थी। ओजोन परत के नष्ट होने के इस खोज से पूरा वैज्ञानिक समुदाय सहमत नहीं है और उन्होंने दावों पर संदेह जाहिर किया है। लैंकास्टर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर पॉल यंग ने कहा है कि ऐसा कोई ओजोन सुराख नहीं है। अगर जीवन बचाना है तो रखने होंगे ये एहतियात। खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल रोकना होगा तुरंत।
दोस्तों, अपने दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों का इस्तेमाल करते हैं हम, जिनमें ज्यादातर से किसी ना किसी गैस का रिसाव जरूर होता है। इनमें मुख्य रूप से एसी है, जिसमें ओजोन परत के लिए घातक फ्रियॉन गैस का प्रयोग होता है। दरअसल इन गैसों का एक अणु ओजोन के लाखों अणुओं को नष्ट करने में समर्थ होता है। बहरहाल, ओजोन संरक्षण के लिए सशक्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। ओजोन परत को बचाने के लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाने की जरूरत है। ओजोन परत को नुकसान से बचाने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल संधि लागू हुई, जिसमें कई सीएफसी रसायनों के दूसरे औद्योगिक एयरोसेल रसायनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अभी तक विश्व के करीब 197 देश इस संधि पर हस्ताक्षर कर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए हामी भर चुके हैं। इस संधि के लागू होने से सीएफसी और अन्य हानिकारक रसायनों के उत्सर्जन में धीरे धीरे कमी आई, मगर साल 2019 में प्रकाशित प्रतिष्ठित साइंस जर्नल नेचर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब भी चीन जैसे देश पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन करते हुए अपने उद्योग धंधों में ओजोन परत के लिए घातक गैसों का व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं।